नमस्कार, सर्विलांस खबर में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं इसी इस खबर की तरफ। अंबेडकर नगर जिले से बड़ी खबर। मिशन शक्ति के तहत पुलिस लाइन में की गई गोष्ठी। आत्मरक्षा का सिखाया गया गुण। शासन की मंशा रूप चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तहत पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं को आत्मरक्षा का गुण सिखाया गया। महिला थाना प्रभारी तथा नोडल अधिकारी नियुक्त की गई। VTCO की मौजूदगी में सभी बालिकाओं को महिला ट्रेनर द्वारा विषम परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, ये गुण सिखाया गया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि इस तरह के आयोजनों का मकसद सिर्फ एक ही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना व उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी निभाना। इस तरह के आयोजन पूरे जिले में किए जाएंगे। इससे संबंधित और भी जितनी संस्थाएं सक्रिय हैं उनका भी सहयोग लिया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता अनूप तिवारी के साथ लालजी चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। आज है जी, ये सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स में आज का एक प्रोग्राम है जी। अभी अगले कई दिनों तक ये प्रोग्राम लगातार चलता रहेगा। इनफैक्ट पुलिस विभाग की तरफ से 180 दिनों तक ये कार्यक्रम लगातार चला करके और समाज में एक भयमुक्त वातावरण और एक सामाजिक जागरूकता महिला सशक्तिकरण के बारे में क्रिएट किए जाने का ये प्रयास है। उसी प्रयास में आज पुलिस लाइन में महिलाओं को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सशक्त होने के लिए ये जो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनर हैं और उनकी शिष्याएं हैं, उन्होंने यहाँ पे स्कूल के बच्चों के साथ महिला जो लड़कियाँ हैं उनको ट्रेन करने का ये काम किया जा रहा है। उनको ये डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति उनके साथ फिजिकली अगर उनको ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है, उनको ओवर पावर करने की कोशिश करता है, तो अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगी, उसके तरीके सिखाए जा रहे हैं और उसके बारे में उनको ब्रीफ किया जा रहा है और ये डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिया जा रहा है जी। इस प्रयास में हम अपनी कुछ महिला कांस्टेबल्स को भी जो विलिंग होंगी उनको भी इस बारे में ट्रेन करेंगे, जो इंटर्न अलग अलग स्कूल्स में जो लड़कियों के स्कूल्स हैं वहाँ जाकर के प्रेजेंटेशन देंगे और उनको ट्रेन करेंगे। इस पूरे एक्सरसाइज का पर्पस ये है कि लड़कियाँ कहीं भी अपने आप को सुरक्षित न महसूस करें और स्वयं भी अपनी रक्षा को, बाकी हम सब लोग कटिबद्ध होंगे रक्षा के लिए। लेकिन यदि पुलिस महिला विंग आपने बनाई है, उसमें क्या पब्लिक की महिलाओं को शामिल किया जाएगा? देखिए, पुलिस हर कदम पे इस मामले में सशक्तिकरण के मामले में समाज का और अन्य व्यक्तियों का सहयोग ले रही है। जो जिस विधा का माहिर है, जो जिस तरीके से अपने स्तर से महिलाओं को सशक्त करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो सब हमारे साथ ही है। थैंक यू।